बिस्मिल रहीम सो वीर डूइंग एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट इसमें हमने बात की थी अबाउट रिस्क बजटिंग जो के बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है वी लर्न अबाउट इट्स बेनिफिट्स वी लर्न अबाउट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग अस इन आर गेज आज हम इसकी ही थोड़ी कॉन्टीन्यूशन में बात करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क बजटिंग और वो हमें उसको कैसे टेक फॉर करना है वी हाउ वी गोइंग टू कैप्चर एंड लुकिंग टू दैम

इंटरेस्ट रेट यानी कि जो मार्केट रिस्क के फैक्टर्स हैं वो हम इसमें अपने पास ट्रिगरिंग करके इनकॉपरेट कर सकते हैं व्हेन वी आर डूइंग प्रॉपर रिस्क बजटिंग टू साइन रिस्क बजट टू एक्सटर्नल फैक्टर इन्वेस्टर मस्ट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ईच एस क्लास एंड एक्सटर्नल फैक्टर फिर हमें उनकी लिंकेज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर से कितना लिंकेज है जैसे हमें ये पता है कि बॉन्ड्स का और इंटरेस्ट रेट का बड़ा इन्वर्स रिलेशन है तो हमें उसको इंकॉपरेट करना है इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ का इक्विटीज का बड़ा पॉजिटिव रिलेशन है तो वी नीड टू नो व्हाट आर द रिलेशनशिप एंड उसको फिर हम अपने कैलकुलेशन में अपनी वर्किंग में इनकोपरेट करते हैं कैप्चर द ट्रू इन द को फैक्टर उसमें हम उसकी ले आते हैं तो हमें फिर अपने जो मॉडल की सिलेक्शन है और मॉडल के जो फैक्टर्स हैं उनमें हम इनको बिल्ट इन करते हैं टूरिस्क तो बजटिंग जो है हमें बहुत हेल्प कर रही होती है टू कैप्चर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज एज वेल अ पोर्टफोलियो रिस्क कैन आल्सो बी डी कम्पोज इन टू एक्टिव एंड पैसिव कॉम्पोनेंट एक्टिव मीन कि आपकी अपनी चॉइस सिलेक्शन से आप उसमें कितना आपको इन्वॉल्व है पैसिवेज के जिस मार्केट या जिस एसेट क्लास में आप गए हैं उसका कितना इम्पैक्ट है तो अब जाहिर तो ये दोनों का बड़ा वेट होना चाहिए कि एक्टिव का कितना रोल है हम लोग कितना अच्छी सिलेक्शन कर रहे हैं और पैसिव इज अबाउट विच सेक्टर विच मार्केट यू आर गोइंग टू गो पैसिव कॉम्पोनेंट इज जनरली अप्रोप्रिएट बेंच मार्क वाइल एक्टिव कॉम्पोनेंट डिपेंड्स ऑन रिस्क ड्यू टू फंड मैनेजर कि फ़ंड मैनेजर ने कितना रोल प्ले किया उसने कितना अच्छा काम किया चलें जी हाँ एक वाइड गेस्ट करें कीप इन योर माइंड के अगर हम पोर्टफोलियो एक बना रहे हैं उसके जहन में अपना एक मैप करें कि एक्टिव रिस्क कितना होगा जो कि फंड मैनेजर की डिसीज़न की वजह से आ रहा है और पैसिव कितना आएगा कोई भी अपने माइंड में रखें ओके okay, जी एक्टिव थर्टी पैसिव सेवेंटी को ट्वेंटी एटी वट एवर इफ यू थिंक इन योर माइंड शुड बी द केस तो एक ज़रा अपने माइंड में एक मैप करें बट ऑफिस ऑबियसली लॉजिकल मैपिंग के साथ इसको करें नाओ लेट वी सी वट इस द एम्पेरिकल स्टडीज सो मैन वी सी एम्पेरिकल स्टडी एम्पेरिकल मीन के वो एग्जाम्पल रूल नहीं है बट हिस्टोरिकली जो चीज़ देखी गई है वो उसकी फाइंडिंग्स हम शेयर करते हैं नाओ यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी दिस फैक्टर कि जो भी हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न आ रहे हैं उनके जो फैक्टर्स का रोल हमें आ रहा है उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं 95 परसेंट ऑफ द रिटर्न 95 परसेंट इज एट्रीब्यूटेबल टू द पैसिव फैक्टर और जो इन्वेस्टर जो फंड मैनेजर है उसकी जो एबिलिटी फैक्टर है उसकी वजह से जो ट्रिगर होनी है चीज दैट इज जस्ट फाइव परसेंट तो कैन यू बिलीव दिस कि हम जो फंड मैनेजर को इतना बात करते रहते हैं मेनली अगर आप किस एसिड क्लास में गए हैं वो 95 परसेंट डिटर्मिन कर रही है आपके रिस्क को आपके रिटर्न को तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आई ओपनर फॉर आस कि वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल वायर वी आर डूइंग एलोकेशन बाकी सिक्योरिटी सिलेक्शन वाला जो एलिमेंट है वो इतना बड़ा नहीं है तो इन अब वी कैन सी 95 फाइव परसेंट इज ड्यू टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एसिड एसिड क्लास क्लास के जिस में गए हैं उसकी अपनी इनहेरेंट जो चीजें हैं वो हमें 95 फाइव परसेंट इम्पैक्ट करेंगी और 5 परसेंट जो है वो हमारे फंड मैनेजर की जो अपनी चॉइसिस हैं उसकी सिलेक्शन है जो कि एक्टिव मैनेजमेंट में आ रही है तो वी है केयरफुल विद द बेस्ट लेवल एलोकेशन ठीक होगी बात Advantages of risk budgeting. Risk budgeting helps investor to optimize portfolio performance at the same time maintaining risk with he is comfortable. Given risk risk lena, can me highest return. That is the first main advantage of the risk budgeting. It is a powerful technique because it accounts not only for asset classes. बट ऑल्सो फॉर को रिलेशन इफेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल एसिड क्लासेस की बात नहीं कर रहा होता उनकी लिंकेज उनके को रिलेशन को ये बड़ा अच्छा कैप्चर करता है विच ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ रिस्क बजटिंग रिस्क बजटिंग कैन ऑल्सो काउंट फॉर इफेक्ट ऑन एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑन पोर्टफोलियो एंड इंटरक्शन विद वेरियस एसिड क्लासेस विच इज़ नॉट पॉसिबल इन कैपिटल बजटिंग ये हमने शुरू में बात की थी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है रिस्क बजटिंग बड़ा अच्छा कैप्चर कर लेती है इट्स ऑल्सो अम्पॉर्टेंट एडवाटेज ऑफ दिस मैथड जो कि बेसिक कैपिटल बजटिंग के इसको इतने पैसे लगा दो इसमें इतने लगा दो वहाँ पर वो कैप्चर नहीं होती रिस्क मॉडिंग मॉडल्स में रिस्क बजटिंग टूल्स में वो बहुत अच्छा कैप्चर हो जाता है

डेंजरस बट नोइंग दैम एंड कॉपरेटिंग दैम दैट इज फाइन बिकॉज हर मॉडल हर चीज के साथ कुछ इम्पन्स भी होंगी कुछ लिमिटेशन भी होंगी प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ रिस्क बजटिंग इज ऑपरेशनल डिफिकल्टी इसको थोड़ा कैलकुलेट करना एक्चुअली इम्पलीमेंट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है डिफिकल्ट है एक्टिव पोर्टफुल मैनेजमेंट यूजिंग रिस्क बजटिंग रिक्वायर कॉन्टीन्यूस डेटा एंड सेंसिटिविटी अनालिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको फ्रीक्वेंटली करते रहना पड़ता है मतलब तो तो ये नहीं हो गया कि वंस यू डू इट एंड दैट्स डन तो ये एक रिकरिंग चीज़ है तो अगर हमने ये मॉडल लेके चलना है तो वी हैव टू बी ऑन आर टू ऑलवेज कि हमें रेगुलरली अपडेट करना है रेगुलरली एजम्शन बिकॉज आपको पता है फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं मूवमेंट्स आती जाती हैं तो वी हैव टू ब्रिंग दैम इन आर कैलकुलेशन सेकेंडली रिस्क बजटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स टू अटेंक अब रिस्क मैनेजमेंट जैसे आप लोग माशा एक चैंपियन बन गए हैं रिस्क मैनेजमेंट के हर इन्वेस्टर के पास ये प्रिवलेज नहीं होती कि वो एक रिस्क प्रोफेशनल को या एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन को हायर कर सके तो वो एक इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है तो इसलिए फिर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन पे फिर नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट And the availability constraints. So, still, its importance is very much higher than these limitations, and it is frequently used by specifically large institutional investors. Thank you.